मम्मी बाहर में कटोरी लगी क्या कर रही है, बहुत सारा बर्फ भी गिर रहा है। लो हम निकल के तोड़ रहे, तोड़ बोल रहे, ले यहाँ पे नीचे बहुत सारे गिरा हुआ है, इधर भी पूरा जमा हो गया है, राम तोड़ के आए जाएगी। नहीं पकड़ना। मुस्कान सुनती नहीं है, पानी तो ना आ रहा है, हमको देखने जाना है ऊपर में, कहीं ऊपर से भी पानी ना घुस रहा हो। कल देखो कितना जमा हो गया है यहाँ पे, इधर जमा हुआ है मुस्कान, उधर उधर। हम लोग पहले जमा कर करके उसको रखते थे गिलास में नमक डाल करके। ढींगना मत, ढींगेगी तो फिर भागो ना बेटी, छोड़ दो बर्फ को, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तब फिर लग जाएगा चोट। चलो अच्छा हो जाओ, चलो अंदर आओ। कितना जमा की? इतना इतना गंदा मत खाओ। ऐसा बारिश हो रहा है, इधर धूप भी है और बारिश भी हो रहा है, बर्फ तो गिरना अभी फिलहाल बंद हो गया है, बादल गरज रहा है लेकिन अभी भी, और रेनबो दिखाई दे रहा है इधर, बाहर जाके कर पाते लेकिन बारिश हो रहा है, रेनबो आ गया है क्योंकि धूप के साथ बारिश हो रहा है, इसीलिए पूरा रेनबो दिख रहा है लेकिन यहाँ से नहीं दिख पाएगा क्योंकि घर है ना यहाँ पे छिप गया है। मुस्कान को बुलाए हैं रेनबो देखने के लिए। किधर सुंदर दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या इसमें? हाँ दिख रहा है, देख लो, बारिश छूटता तो बाहर जाके दिखाते हैं लेकिन बारिश हो रहा है। ए पानी में नहीं खेलो, चलो ए, आज ही हम पूरा छत साफ किए थे, मेहनत भी कर रहा सुंदर दिख रहा है भैया, भैया भी देखता भैया देखो ऐसे वो घर चमक रहे हैं। हाँ धूप हो गया है पूरा। मुस्कान तपस्या में लीन है। वाह तो रामदेव बाबा को भी फेल कर देगी लग रहा है। ऐसे करेगी तो असल पढ़ाई के करने से ज्यादा ये करती है, पेपर बर्बाद कर रही है, मेहंदी का डिजाइन प्रैक्टिस हो रहा है मुस्कान का मेहंदी लगाने का, बहुत सारा बनाया, बहुत सारा बनाई है, अच्छा ड्राइंग का जगह में यही कर रही है, एग्जाम का टेंशन को इसी तरह मुस्कान निकालती है। आते आते एक तो मुस्कान पप्पी कर रही थी, उसको दांत टूटते टूटते बच गया। हेलमेट पप्पी करेगी तो ये ना होगा, मार कर रही हूँ अरे बाप रे, अब दिल का टुकड़ा है। हाँ इसीलिए दिल का टुकड़ा है, इसीलिए मास्क लगा रही है। कहाँ चल जाए, मम्मी के साथ जाऊंगा, बहुत काम है, प्लीज हम काम 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 कब करेंगे अपना अगले जन्म में। अच्छा से चमका चमका के पोछा करो, समझ गई? मुस्कान को सर्दी हो गया है इसीलिए मुस्कान टाइम पास कर रही है, मुस्कान को अच्छा नहीं लग रहा था तो मुस्कान लाव पोछा कर देते हैं। तुम नहीं बोली है, सच्ची सच्ची बोलो मुस्कान, तुम हर बार बात करके पलट जाती है, सच्ची सच्ची बोलो, तुम खुद बोलिए कि नहीं पोछा कर देते हैं? वो कोर्ट में फैसला होगा। कौन सा कोर्ट में फैसला करेगी तुम बताओ? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ब्लैक कोर्ट, रेड कोर्ट, व्हाइट कोर्ट, ब्लैक कोर्ट सब करेगी। आज मुस्कान मेरा हेल्प कर रही है काम करने में, आज नेक्स्ट डे है, गुड आफ्टरनून। तो मैं पोछा कर ही रही थी, झाड़ू वगैरह हो गया था, पोछा कर रही थी मैं, तो मुस्कान बोली कि लाओ हम कर देते हैं। और कोई सामने से ऑफर करे कि लाइए मदद कर देते हैं तो कैसे छोड़ दें ना, तो 50% ऑफ दे रहे थे। मेरा तो काम और आसान हो जाएगा कोई मदद कर देगा तो, इसलिए मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ते हुए दुकान को बोली कि नहीं अच्छा है कर दो। ऐसे भी बैठ के मोबाइल में गेम ही खेल रही थी, गेम खेल रही थी, क्या कर रही थी पता नहीं, गेम वेम तो है नहीं फोन में, फिर से डाउनलोड कर लिए हैं बोल रही है। और मेरा नहाना वहाना हो गया है, काफी देर हो गया है और मैं मुस्कान को ढूंढ रही हूँ, मुस्कान इधर मन्नू के कमरे में है, जब मैं ऊपर में थी तो मुस्कान उसी कमरे में थी, उसके बाद मैं ऊपर से धूप से मैं नीचे आई तो मुस्कान उस कमरे से निकल के इधर कहाँ चली गई, दरवाजा के पीछे छुप गई है। दरवाजा ठीक से करो, ठीक से लगा दो दरवाजा को, क्या कर रही है तुम, हम उधर आए तो तुम इधर क्यों आ गई,
मेरे साथ नहीं रहना होता है। नहीं मुस्कान कल से वेट कर रही है कि मम्मी शॉपिंग में जाएगी। कल भैया को भी बोल रही थी भैया चलो ना शॉपिंग पे, लेकिन कल मौसम खराब हो गया था तो कल नहीं गए। फिर आज मौसम कितना अच्छा, आज तो मौसम ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं जाएंगे क्योंकि मन्नू को बहुत काम है, उसका क्या बोले पता नहीं, कुछ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कुछ तो है उसी में, वो इतना बिजी है उसको टाइम नहीं मिल रहा है। एक घंटा से ऊपर हो गया, फोन किया था बोला था कि एक घंटा लगेगा आने में, तो एक घंटा से ऊपर हो गया है, अभी तक नहीं आया है, देखते हैं कितना देर में आता है। मुस्कान आज पंजाबी कुड़ी लग रही है, दिग्गा करेगी, आता दिग्गा करने, भंगड़ा करो। हाँ अरे बाप रे, अरे बाप रे करती थी ना डांस क्लास जाती थी तो बहुत पहले, 2 साल हो गया। हाँ कैसे कर रही थी वो करके बता ना, कैसे करती थी भंगड़ा, कैसे सिखाए थे सर? बस पैर तो कितना ऊपर पर फेंका जाता है। अरे हम पंजाबी थोड़ी है। तो पंजाबी नहीं होता क्या? पंजाबी लोग इंसान नहीं होता है क्या? जब उस समय करती थी तो नहीं, उसमें पंजाबी थी, हो गई थी क्या? अच्छा सूट पहन के नहीं बन रहा है। अच्छा मुस्कान बोल रही है कि कब जाएगी मम्मी शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा आराम से बैठते हैं, मनु को टाइम ही नहीं मिल रहा है तो कहाँ से जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। मुस्कान बोल रही है कब जाएगी कब जाएगी, घर का कोई सामान नहीं लाना है, बस मुस्कान का बर्थडे के लिए थोड़ा बहुत सामान लाना है शॉपिंग। मुस्कान का बर्थडे में जो भी बनाना है उसी के हिसाब से सामान लेकर के आना है। तो इस बार हम लोग सोचे कि हम लोग अपना घर बनाएंगे, क्योंकि हमेशा जो है ना हम लोग नानी घर बनाते, 4-5 साल से हम लोग बनाए नहीं अपना घर में। अगर इसके पापा का तबियत खराब था तो बर्थडे बनाना तो बंद ही हो गया था, उसके बाद फिर घर में मना ही नहीं रहते, फिर इसके नानी के यहाँ चल जाते थे, लेकिन मुस्कान इस बार जिद कर रही है इसीलिए यहाँ बना रहे, नहीं तो इस बार भी इसके नानी के यहाँ जाते, ये तो फिर वहाँ पे बना दे तो फिर ऐसे जबरदस्ती वाला बन जाता। इस बार सोचे ऐसा घर को डेकोरेट करेंगे वगैरह। क्या डेकोरेट करना है? कुछ बैलून। हाँ बैलून तो लगना ही, बर्थडे का तो चीज है कि बैलून होना चाहिए, घर में केक होना चाहिए, बस और क्या, खाने के लिए भी होना चाहिए, खाने के लिए तो केक होता है ना, और क्या करना है। ये लोग ना मेरा बर्थडे के दिन ये लोग मेरा कचुम्बर निकालने वाला बनवा बनवा के है ना। और अभी कुछ दिन से लोग ऐसे ही जा रहा है, कभी जा रहा है कभी नहीं जा रहा है, वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मनु को टाइम नहीं मिल रहा है इसी वजह से। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि शायद मैं डेली में ब्लॉग नहीं डालूंगी, हो सकता है मैं हफ्ता में 2 दिन या वीकली ऐसे ही जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, या फिर हो सकता है कि डेली ही जाए क्योंकि मनु को टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो एडिट करने का। ऐसे भी दो या तीन वीडियो पहले से मैं बना करके रखी हुई हूँ लेकिन उसको टाइम नहीं है उसको एडिट करने का, तो रखा ही हुआ है। और ये आज मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो भी कब जाएगा ये भी पता नहीं है, बस मैं बना दे रही हूँ क्योंकि सारा काम तो मन्नू का है, मेरा काम है, मैं वीडियो बना देती हूँ, लेकिन जब एडिटर ही एडिट नहीं करेगा तो वीडियो कैसे जाएगा, है ना? तो प्रॉब्लम यहाँ ये आ गया है, मुझे एडिट करना नहीं आता है, वरना मैं खुद भी बनाती और खुद ही कर लेती। मन्नू को बहुत बार मैं बोली कि मुझे सिखा दो और वो थोड़ा बहुत, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता उसको कि वो मुझे बता देगा, शायद मैं कर भी लो ना तो मन्नू की तरह मैं नहीं कर पाऊंगी उतना अच्छा से, इसीलिए मैं छोड़ दी, मतलब छोड़ो जब तुमको टाइम मिलेगा तब तुम करना और नहीं तो फिर नहीं जाएगा वीडियो क्योंकि समय का दिक्कत हो रहा है। और ऐसे भी आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं अब वो चीज हो ही ना तो फिर थोड़ा सा तो मोरल डाउन हो जाता है ना, कि करीब मेरा 1 साल होने जा रहा है, 8 या 9 महीने के लगभग हो गया होगा मेरा वीडियो बनाते हुए, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं ये वीडियो स्टार्ट की थी कि कुछ अर्निंग होगा मुझे घर चलाने में, बच्चों का एजुकेशन के लिए मुझे थोड़ा मदद चाहिए था, तो मैं किसी से खैरात में नहीं लेना चाहती हूँ या किसी के सामने हाथ फैला करके मैं नहीं लेना चाहती थी, मुझे एकदम से दिमाग में आया कि नहीं चलो वीडियो बनाते हैं, शायद मेरा चल जाए तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए मदद हो जाएगा। क्या कर रही है तुम? तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना शुरू की थी। तो मन्नू को भी आने में थोड़ा टाइम और लगेगा बोला है, करीब आधा घंटा करीब लगेगा, तो जब तक मन्नू आता है तब तक मैं गेहूँ साफ करती हूँ, हो सकता है उसके आते तक साफ भी हो जाए या हो सकता है ना भी हो क्योंकि इसमें कचरा बहुत ज्यादा है।
ये वाला गुलाब जामुन तो कभी बनाया नहीं है। छोड़ा उठा के ले तो बन ले क्या। भैया 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 ठीक देना। हाँ सोचो मत ले लो। एक फ्रूट नहीं है। नहीं पता ऊपर रख लो।